हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसे रही एग्जाम्स की? और अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले आज वो क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने को पैडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स या टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स से भी यूनिवर्सिटीज क्लियर करते हैं नॉर्थ इंडिया की ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज अलॉन्ग विद दैट ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया जो बीएड को परफॉर्म कर रहे हैं जिनमें इकोनॉमिक्स या पैडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स की बात की जाती है उनके लिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हमने कहा क्या खाली ये क्वेश्चन कर जाए तो हम पेपर क्रैक कर लेंगे, क्लियर तो ईजिली कर लोगे, easily कर लोगे, more than 60-70 भी कर सकते हो, लेकिन इन questions को on tip कर लेना। अब यहाँ पे ये question है 2020 के लिए, आप exam February में देते हैं, June में देते हैं, या October, November में देते हैं, that's all up to you, लेकिन हाँ ये वो questions हैं जो आपको करने for this year। तो क्या सर ये आगे आने वाले साल में 21-22 में यूजफुल नहीं होंगे? ऐसा गलत है। पहले क्लियर करना है ये वो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन घूम फिर के बार बार आते हैं। तो आप लोग इसको दिमाग में रखना दैट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर पैडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स और टीचिंग इकोनॉमिक्स आपको ये क्वेश्चंस ऑन टिप करने। ज्यादा इससे ज्यादा डिटेल में जाए तो पहले काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वीडियोस को एक्सेस कर पाए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दें। विद दैट वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगती है तो इन बिटवीन लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। एज वी ऑल नो दैट द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग अ शॉर्ट नोट, से शॉर्ट नोट हमें ऑन टिप होना चाहिए। हर यूनिट से एक शॉर्ट नोट आता है, डेफिनेटली हर यूनिट से एक शॉर्ट नोट आता है। तो यार यहाँ पे मैंने क्या किया, चार यूनिट से हर यूनिट से दो शॉर्ट नोट के कॉन्सेप्ट दे दिए जो आपको क्लियर करने। फर्स्ट ऑफ द एम्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमी, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमी, इसको ऑन टिप कर लेंगे। अच्छा इसको पढ़ना कैसे, पढ़ने का तरीका यह, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाई जाती है, उसके एम्स क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कैसे हम हाईलाइट करेंगे। कम ऑन नेक्स्ट वन, व्हाट इज आरसीईएम अप्रोच, से RCEM approach confirm है मेरे बनाती, और ये हमें on tip होनी चाहिए, बहुत easy भी है, सिर्फ reading करनी, समझ नहीं आ रहा, चलो एक काम करो, playlist में जाओ, B.Ed वाली, वहाँ सारे answers भी होंगे, from beginning till the last, एक एक answer आपको मिल जाएगा। Come on next question, importance of textbooks, textbooks की importance क्या, ये वो question generally हम लोग छोड़ देते हैं, हम कहते हैं ये तो आता नहीं, इस question को please go through करना, क्योंकि ये question expected है, और ये paper में आता है। नेक्स्ट वन, द फिल्म स्ट्रिप, व्हाट इज फिल्म स्ट्रिप, क्या होती है फिल्म स्ट्रिप, कैसे डील करते हैं इसको, सर हम देख के छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आने वाले। बीएड में डोमिनेंटली ये क्वेश्चन आते हैं और ये हमें आनी चाहिए, तो यहाँ पे आ गया व्हाट इज फिल्म स्ट्रिप, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वन, नरेशन स्किल्स, सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, स्किल्स डेफिनेट टीचिंग स्किल्स होती है हमारी, जिसमें हम नरेशन स्किल की बात करें तो नरेशन स्किल क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, किन किन चीजों को आपको समझना है, तो यहां जरूरी है कि नरेशन स्किल्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ने। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, सर इससे दो तीन मेथड, डिस्कशन मेथड हो गया, हम एरर ट्रायल एंड एरर मेथड हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया, ये हमें सारे के सारे क्लियर। अगर बोलूं एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है लास्ट यूनिट अंदर हमारे पास जहां हमें बोलता है मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो वहां प्रॉब्लम सॉल्विंग उसका एक पार्ट है। इवैल्यूएशन, हमें टाइम टू जम्प अप टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जनरली द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट वन, और एक्चुअली फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू कहता है डिस्कस द प्लेस ऑफ इकोनॉमी इन स्कूल करिकुलम ऑफ सेकेंडरी स्टेज, स्कूल करिकुलम ऑफ सेकेंडरी स्टेज हमें ये पता होना चाहिए, सेकेंडरी स्टेज पे स्कूल करिकुलम क्या है, कैसे यूज होगा, किन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और हम कैसे डील करने वाले। So, repeat करता हूँ question को, discuss the place of economy in school curriculum of secondary stage. Come on, next question. Describe the implication of Bloom taxonomy. यानी ये question मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने कहा था question confirm आता है, तो हमें आना चाहिए। Describe the implication of Bloom taxonomy of objectives. तो Bloom taxonomy एक ऐसा question है जो किसी भी तरह से हम नहीं छोड़ सकते, this is one of the most important and expected question. Come up to the next question, we are having. क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सप्लेन मिलर अप्रोच ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म्स बाय प्रेजेंटिंग सुटेबल एग्जांपल, सो मिलर अप्रोच,
सब मैकने मिलर ब्लूम कुछ है, इनको नाम याद रखने पड़ते हैं, ये बार बार आते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं ब्लूम किया हूँ मैं मिलर कर, तो आई एम श्योर कि इनमें से एक कन्फर्म आना क्योंकि मैं बहुत इजी क्रैक कर लूंगा। तो एक्सप्लेन मिलर्स अप्रोच ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म्स बाय प्रेजेंटिंग सुटेबल एग्जांपल। बेटर होगा अगर हम एक एग्जांपल दे दें साथ में, तो एक प्लस पॉइंट काम करता हमारे। जब आप टू द क्वेश्चन नंबर 4, तो यहां पे होगी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट, ये हो गया आपकी फर्स्ट यूनिट। अब आते हैं सेकंड यूनिट के पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज पैडागॉजी एनालिसिस, डिस्कस इट्स रोल विद एग्जांपल। सर पैडागॉजी एनालिसिस क्या है, इसके रोल को डिफाइन करो। अब ये हमें पता कि पैडागॉजी एनालिसिस क्या है, पैडागॉजी किसे कहते हैं, व्हाट इज पैडागॉजी का कांसेप्ट, किसी सब्जेक्ट को पढ़ाना। सर डिटेल में बताया हुआ मैंने आपको, लोग बोला यार कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में अभी प्लेलिस्ट में जाएंगे, बीएड में मोर देन 250 वीडियोस हैं, तसल्ली से देखेंगे हर आंसर को पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ये सारे आंसर्स वहां हैं आपके पास। व्हाट इज पैडागॉजी एनालिसिस, डिस्कस इट्स रोल एंड एग्जांपल। नेक्स्ट वन द चॉइस क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम ऑफ इकोनॉमी, या करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम डिजाइन को भी देख लेना है आज। आई रिपीट, करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम डिजाइन को भी देख लेना है यहाँ पे। आपने कहा एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम ऑफ इकोनॉमी, और इकोनॉमी के करिकुलम को हम कैसे डेवलप करते हैं, उसको कैसे हाईलाइट करना है, ये सब बताया गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स। ये टीचिंग एड्स क्या होते हैं, व्हाट आर टीचिंग एड्स। सर वो चार्ट्स, डिफरेंट चार्ट ग्राफ्स होते हैं सर, कई अलग अलग चीजें, लाइट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, सर हम चॉक को यूज करते हैं, ये सब टीचिंग एड्स का पार्ट है। अभी टीचिंग एड्स का रोल क्या है, टीचिंग में कैसे क्लियर करेंगे, और कैसे हम और अच्छे से इसको डिफाइन करते हैं, ये सारी की सारी बातें हमें हाईलाइट करेंगे। देन नंबर नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द यूटिलाइजेशन इन टीचिंग इकोनॉमी, तो उसका यूजर्स बताना पूरा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। यहां पे होती है हमारी सेकंड यूनिट खत्म। कम अप टू द थर्ड यूनिट, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लेसन प्लान, 100% पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना 100% पेपर क्वेश्चन है, कैसे भी घूम फिर क्या आ जाएगा। कहता है व्हाट इज लेसन प्लान, मेक अ लेसन प्लान ऑन नेशनल इनकम। अब यहां मैंने नेशनल इनकम लिख दिया, वहां क्या आता है आई हैव नो आइडिया, लेकिन हाँ कोई एक टॉपिक वो दे दिया जाएगा, इसके ऊपर आप बनाओ, या आपको टीच करना है किसी क्लास का मेंशन कर दिया जाएगा, उसको पढ़ाना, तो एक लेसन प्लान दिया करो। लेसन प्लान सर कैसे दिया करते हैं, सो सारे के सारे स्टेप वन बाय वन बताने हैं आपने, एंड दैट डू प्ले अ वाइटल रोल इन योर आंसर। आपके आंसर की प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट वन, वी आर हैविंग द चॉइस क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग। सर मैंने अभी भी बोला था आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग, याद है डिस्कशन मेथड सर, ट्रायल एंड मेथड सर, वो नरेशन मेथड सर, कई सारे मेथड हैं, तो यहाँ वो क्वेश्चन फुल फ्लेज में आ गया। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, कैसे पढ़ाते हैं, सर लेक्चर भी हो गया हमारे पास सर, उसके अलग वो व्यू पॉइंट है, कॉन्सेप्ट को समझना आपने, दिस इज मेथड्स ऑफ टीचिंग। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, द क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन स्टिमुलस वेरिएशन। सर स्टिमुलस वेरिएशन क्या होती है, मैक्सिमम यूज है इस वीडियो को सिंपलेस्ट वेरिएशन को, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन रिपीट है और हमें ऑन टिप होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में कई सारी चीजें बताता है। तो व्हाट इज सिंपलेस्ट वेरिएशन, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, क्या है उसके कंपोनेंट्स, क्या है उसको, कैसे एग्जांपल के द्वारा हम बताएंगे, ये सारी चीजें वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करनी है। जब आप टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज इवैल्यूएशन, सर ये इवैल्यूएशन क्या, सर इवैल्यूएशन भी शॉर्ट टर्म में पढ़ा था आपने, इवैल्यूएशन टाइम टू टाइम चेक करते हैं, पीरियोडिक टेस्ट करते हैं, इसका मतलब फॉर्मेटिव टेस्ट, सर एक फाइनल टेस्ट होता है, इसका मतलब सर समेटिव टेस्ट। व्हाट इज इवैल्यूएशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मेजरमेंट, अब ये मेजरमेंट से कैसे डिफरेंट है, पहले इवैल्यूएशन बताऊंगा, फिर मेजरमेंट बताऊंगा, फिर दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, फिर इवैल्यूएशन के सारे पार्ट्स बताऊंगा। 16 नंबर क्वेश्चन है यार, मुझे हर चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द डिवाइस ऑफ टेस्टिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंसेस इन इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सब कौन से डिवाइस को हेल्प करते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने के, आप लोगों का टेस्ट, टेस्ट सीरीज, यूनिट टेस्ट, ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, सर्फेस एंड टेस्ट है, ये डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। किसी को भी चेक करना इवैल्यूएशन मेथड है, डेफिनेटली उसको यूज करते हैं, तो उसको बताना है आपने।
come up to the last question, question number 9. What is the importance of records? Cumulative record भी आ सकता है वहाँ पे, ध्यान रखना, खाली record नहीं आएगा. What is the importance of the records for the evaluating these students? Mention the types of records and the advantages and disadvantages. यहाँ आपको records बताने हैं कि advantages और disadvantages दोनों को बताना है, दोनों को highlight करना है, and this will work for you guys. तो ये वो questions हैं जो आपको prepare करने हैं for your economy paper. वैसे से pedagogy, economy और teaching और economy आपको ये questions on tip चाहिए. For more, you need to like, share and subscribe the channel and do comment on the comment box. किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, I'll definitely try to help you out very soon. All the best guys.